सिंगरौली में एक दिवसीय प्रवास पर अखिल भारतीय कोयला मजदूर संघ के अध्यक्ष टिकेश्वर सिंह, महामंत्री एवं JVCI सदस्य सुधीर धुरंडे पहुंचे, जहां NCL मुख्यालय में भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ सिंगरौली के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्म जोशी से स्वागत किया। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में हिंद मजदूर सभा के वेलफेयर बोर्ड के सदस्य प्रयागलाल वैश्य ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय कोयला खदान श्रमिक संघ सिंगरौली की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही केंद्रीय धर्मशाला जयंत के हिंद मजदूर संघ के सचिव जसविंदर सिंह अपने 20 साथियों के साथ संगठन की सदस्यता ग्रहण किया। ब्लॉक बी इंटक सचिव प्रदीप कुमार वैश्य ने अपने 30 साथियों के साथ संगठन की सदस्यता ग्रहण की। जयंत निगाही दुदिचा जो कार्य प्रदर्शन है, आपको मालूम है कि JVCI को लेकर, जो CMPF घोटाला को लेकर, सुरक्षा को लेकर, कामगारों की कल्याणकारी सुविधा को लेकर भारतीय मजदूर संघ हमेशा चिंता करता रहता है। और वही कार्य प्रदर्शन पर विश्वास कर जो अन्य संगठन के भी जो लोग हैं वो उन लोगों ने प्रवेश किया और दिन ब दिन सभी तरह भारतीय मजदूर संघ संख्यात्मक दृष्टि से हो या गुणात्मक दृष्टि से बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय मजदूर संघ का सदस्यता ग्रहण की है, वो दूसरे ट्रेड यूनियन को छोड़ के आए हैं, आपको क्या लगता है किस कारण पर उन्होंने छोड़ के आपकी सदस्यता ग्रहण की है? नहीं, मजदूर जो है ये पहले हमारा मजदूर है, वो कौन से संगठन में है ये महत्वपूर्ण नहीं है। मजदूरों का संगठन है, मजदूर हमारे लिए सर्वोपरि है। उनको संगठित करना, कुछ भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाना, सिर्फ हमारा काम जो है हम हमारे व्यक्ति के लिए या परिवार के लिए नहीं करते, तो उसके साथ समाज और देश का भला हो, ये भी उद्देश्य भारतीय मजदूर संघ का है। क्योंकि आपको मालूम है कि भारतीय मजदूर स्थापना के पूर्व भी अन्य संगठन इस देश में कार्यरत थी, लेकिन सिर्फ कामगारों को रोजी रोटी मिले यही उनका उद्देश्य था। लेकिन भारतीय मजदूर संघ ने यह किया कि हम देश के विकास में हमारा सहयोग रहे, हम समाज के लिए देश के लिए कुछ कर सकें और रोजी रोटी के साथ साथ हमारा देश में योगदान रहे, इसलिए काम करने का जो ये भारतीय मजदूर संघ ने उनको ये किया, उनको प्रशिक्षित किया और उनको देश के साथ जोड़ा। भारतीय मजदूर संघ का सदस्यता ग्रहण किए हैं, मेरा सदस्यता ग्रहण करने और यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ की विस्थापित समस्या है, यहाँ का स्थानीय समस्या है, विस्थापित समस्या का काम करेंगे और थोड़ा हट के कुछ अलग करना चाहते हैं, उसी को देखते हुए हम विस्थापित संघ का मांग किए हैं। यहाँ से निर्माण करेंगे उसका और उसी में काम करके यहाँ जो लोग विस्थापित बसान है या का स्थानीय बसान है, धूला गर्दा खा करके लोग वगैरह त्रस्त हैं, आप खदान नजदीक जाकर देखें किस तरह लोग रहते हैं, उनके समस्या का निदान करेंगे। जो BMS का है कि एक ये है कि BMS त्याग तपस्या बलिदान और एक चीज है अपना दीत, मतलब जो शोषित पीड़ित दलितजनों का भाग बनाने वाले BMS है, इसलिए हम BMS जुड़े हैं। उसी तात्पर्य में काम करते हुए शोषित दलित पीड़ित जनों का भाग बनाने के लिए अपना तात्पर्य अपना शक्ति लगा दें। जिस तरह से हम देखे तमाम ट्रेड यूनियन को छोड़ के बड़ी संख्या में लोग आके यहाँ भारतीय मजदूर संघ का सदस्यता ग्रहण किए हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अन्य ट्रेड यूनियन को छोड़ के यहाँ सदस्यता ग्रहण किए? देखिए, भारतीय मजदूर संघ का तो एक बहुत अच्छा जो काल है, कार्य करने की उनका शैली है, यहाँ पे सबकी बात सुनी जाती है और कर्मचारी के बीच में रहने वाली इस संगठन का नेतृत्व करते हैं, कर्मचारी का दुख सुख जानते हैं, इसलिए जो भी लोग गए थे किसी नाराजगी से गए थे आज वापस आए हैं। और BMS जैसा संगठन NCL में तो नहीं मिलेंगे, बाकी जगह हम लोग शासन में लोग बाग सम्मिलित हुए हैं,